हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आप जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, मतलब हाथरस की घटना पे बात करने वाला हूँ। मतलब सुन के ही बहुत अजीब लगता है कि पब्लिक आजकल किस टाइप की हो गई है। वो लड़की किसी की बहन हो सकती थी, किसी की भाई हो, किसी की भी मतलब बहन बेटी कुछ भी हो सकती थी। तो जो उसके साथ हुआ है, मैं बस उसके लिए एक पब्लिक के साथ एक यही कह सकता हूँ कि मतलब ये करने से पहले सोचो कि अपने घर पे भी बहन है, अपने घर पे भी बेटी है। ऐसा करने से अगर मान लो आज मैं भी करता हूँ तो कल ने मेरी बहन बेटी उन पे भी लोग हाथ डालेंगे। इस चीज़ से होना कुछ नहीं है। एक मतलब गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए इतना टफ कोई लीगल एक रूल लेके आओ जिससे मतलब भय पैदा हो जाए लोगों में, कोई करने से डरें, ये ना करें। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है कि आप कहीं थूक भी देते हो, या अरब कंट्रीज़ में होता है कि कहीं कुछ आप रेप वगैरह करते हो तो आपको बीच चौराहे पे लाके हैंग किया जाता है। उसी अनुसार जैसे आप यहाँ भी कुछ ऐसा करो, यहाँ भी कुछ ऐसा रूल एप्लीकेबल करो कि कोई पनिशमेंट दो लोगों को जो मतलब ऑन द स्पॉट उस बंदे को जो भी ये करता है, रेप वगैरह कुछ भी करता है, तो उसके लिए एक मतलब टफ से टफ डिसीजन मतलब सोचे बंदा कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। करने से पहले 10 बार सोचे कि अगर मैंने किया, पकड़ा गया, तो मेरा ये हाल होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, कुछ भी होगा। मतलब इतनी हवस आ जाती है लोगों में ऐसा करने के लिए। मतलब वो यूँ नहीं सोचते कि मेरे घर पर भी बहन है, मेरे घर पर भी बेटी है, मैं लोगों के साथ कर रहा हूँ, कल इन फ्यूचर मेरी फैमिली का क्या होगा, या कुछ मतलब स्पीचलेस कुछ भी नहीं कह सकते उनके लिए। इतने हैवानियत से वो मतलब उस लड़की पे टूट पड़े कि उसकी पीछे की रीढ़ की हड्डी बैकबोन तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी। मतलब हद है, सोचते हुए भी बहुत तकलीफ होती है कि यार उस लड़की, मैं सोच रहा हूँ तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस लड़की के साथ जब हुआ होगा तो कितनी मतलब दर्दनाक बात है। और ऐसा होता है कि इंडिया में मैंने सुना है, जितना मेरे को पता है, कि हर 16 मिनट में गाइस, जितना मैं बोल रहा हूँ, मेरे को जितना पता है, हर 16 मिनट में एक रेप होता है। तो सोच लीजिए गाइस, दिन के कितने रेप होते हैं अप्रोक्स। इसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो 70-80 रेप रोज़ होते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, ऐसे दरिंदों को रोकने के लिए, प्लीज़ मैं गवर्नमेंट से एक अपील कर सकता हूँ कि आप इसके लिए कोई टफ रूल लेके आए, या टफ मतलब ऐसा कोई नियम लेके आए ताकि अपराधियों में ये करने से पहले रुकें, वो सोचें कि क्या मैं करूँ या ना करूँ, कर देता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, किस टाइप की सज़ा मेरे को भुगतनी पड़ेगी। इस प्लीज़ मैं एक रूल्स मतलब सबको एक संदेश दे सकता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ ना, कोई इतना हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं हूँ, तो मैं एक गवर्नमेंट से अपील कर सकता हूँ हाथ जोड़ के कि इसके लिए अच्छा से अच्छा कोई नियम लाया जाए ताकि बहन बेटियों को बचाया जा सकता है। मतलब जब तक कोई नियम नहीं आएगा ना, जब तक पब्लिक नहीं सुधरने वाली कि इस पर कुछ ना कुछ करे। मतलब आजकल किसी को कुछ कह नहीं सकते, कहो तो वो हाल हो जाता है कि मतलब बोल नहीं सकते। तो एक मतलब क्या करें कि गवर्नमेंट से ही अपील कर सकता हूं मैं। और प्लीज़ गाइस, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जितना शेयर करो ताकि ये आगे से आगे पहुंचे, गवर्नमेंट तक जाए वीडियो। और मेरा कुछ इनिशिएटिव है इसके लिए, तो मतलब कुछ सक्सेस हो, वीडियो जितना आगे तक जाएगा, शेयर होएगा, तो शायद गवर्नमेंट तक कुछ ना कुछ बात पहुँचेगी। तो प्लीज़ गाइस, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपनी बात आगे तक जा सके। मतलब एक जगह की लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया में ये होता है। तो इसको रोकने के लिए पूरी गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, या ऑल ओवर इंडिया की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको एक मुद्दा बना लिया और आपस में इस बात पे झगड़ रहे हैं। मतलब जा रहा है तो उस फैमिली का जा रहा है, उसकी फैमिली की एक लड़की चली गई, उसकी ज़िंदगी चली गई, उस मतलब क्या कर सकते हैं। बाकी सब मज़े हैं, मतलब पार्टियों के लिए मज़ा है, सब कुछ मज़ा है, उनके लिए एक मुद्दा मिल गया उनको आपस में झगड़ने का। तो प्लीज़ गाइज,
आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन दरिंदों के लिए कोई ऐसा रूल्स गवर्नमेंट ला सके ताकि उनको एक मतलब मिले कि भाई आज के बाद हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।